नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान बोर्ड कक्षा आठवीं का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है उसके लिए ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब तो दोस्तों परीक्षा जो स्थगित हो चुकी है, 31 मार्च के बाद ही आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपको इसके परीक्षा के सामान्य निर्देश दे रखे हैं, फिर यहाँ पे आपको इसके परीक्षा हल करने हैं। फिर देखिए इस पेपर देख मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है खंड अ में से, चंबल नदी, चंबल की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? माई है, बनास है, लूणी है, फिर गग्गर है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना था। मेक इन इंडिया वाक्यांश से क्या अभिप्राय है कि कहाँ बनाना है? भारत में बनाना है, होगा राइट आंसर। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना हुआ था? संप्रभु, देखिए संप्रभु राष्ट्रों के आपसी संबंधों का संचालित करने वाले कानून क्या कहलाते हैं? फिर देखिए मराठा राज्य की स्थापना किसने की थी? और बंगाल में 19वीं शताब्दी में जो समाज सुधार की लहर को किसने नाम दिया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारे लिए, ये आता बाग बस से, आप अपने दैनिक जीवन में किस किस से सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें से देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा, आपकी दृष्टि में जनसंख्या की वृद्धि दर के क्या क्या कारण बताए गए हैं? भारत में समावेशी विकास की संक्षिप्त समीक्षा करनी है। फिर आता है मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य में दो अंतर देना है, जो कि आपके दो नंबर का क्वेश्चन होगा, ये भी अति महत्वपूर्ण है। फिर NCC की विद्यार्थी जीवन में क्या क्या उपयोगिता है? NCC क्या होता है, उसकी क्या क्या उपयोगिता है वो लिखना होगा आपको। एक तरफा मुक्त व्यापार नीति से भारत की विदेशी व्यापार को किस प्रकार से नुकसान हुआ है? एक कारण बताना है नुकसान किस प्रकार से हुआ है। तो दोस्तों आप rkla.in वेबसाइट को विजिट करके क्लास 8 के सारे मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। तो अभी जाइए और अभी विजिट कीजिए rkla.in वेबसाइट को। यहाँ पर देखिए आप स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सभी के मॉडल पर डाउनलोड कर लीजिए। अभी जाइए और अभी विजिट कीजिए। देखिए आपको मॉडल पेपर डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिए। एक तरफा मुक्त व्यापार नीति से भारत के विदेशी व्यापार को किस प्रकार से नुकसान हुआ है, एक कारण आपको लिख देना है। अगला आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप द्वारा गौशाला के रख रखाव हेतु कोई दो सुझाव देने हैं। सजेस्ट टू मेजर्स विच यू शुड अडॉप्ट टू मेंटेन योर, देखिए काउ शीड, किस प्रकार से आप अपने काउ शीड को मेंटेन रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा आपको खंड 10 खंड 6 से, अकाल और मरुस्थलीकरण एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है, समझाना है, जो कि चार नंबर का क्वेश्चन आपके बन सकता है। पवन चक्की का रेखा चित्र बनाते हुए बताइए कि राजस्थान में पवन ऊर्जा का उत्पादन किन किन जिलों में हो रहा है? आता है पर्यटन किसे कहते हैं? आर्थिक दृष्टि से पर्यटन का क्या महत्व है, जो कि आपके डेट नंबर, एक डेट नंबर का ये है और प्लस ढाई नंबर का ये, तो दोस्तों कितने नंबर का हो गया, चार नंबर का बन जाएगा। भारतीय समाज का देखिए स्वरूप ग्रामीण से नगरी कैसे होता जा रहा है, उदाहरण देकर समझाना है। मानवीय जीवन पर नशीले पदार्थ के दुष्प्रभावों को लिखना है। ब्रिटिशकालीन शिक्षा के प्रभाव से सामाजिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन का उल्लेख करना है। स्वतंत्र भारत में विस्थापितों को किस प्रकार से बताया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। देखिए सड़क की स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु आप क्या क्या उपाय सुझाव देंगे और उन नियम किन किन नियम का पालन करेंगे? फिर आता है भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाना है, बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर, इन चार में से दर्शन छः दे रखे हैं, इन चारों में से आपको देखिए छः में से आपको चार गणों के दर्शन हैं, बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर, जयपुर, नई दिल्ली, हिमालय पर्वत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आते हैं खंड 10 की तरफ, तो राजस्थान को किन किन भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया? देखिए एक तो भौतिक प्रदेश आता है, तो फिजिकली जो आपका दे रखा है फिजिकल रीजन्स उनको, और जो एक राजस्थान के और एक भारत के, तो दोनों में से आपको एक याद जरूर कर लेना है, अन्यथा अतो में कर सकते हैं। संस्कृति से क्या अभिप्राय है, भारत देश की एकता में अनेकता में एकता विशेषता की स्पष्ट करना है, विवेचना करनी है। भारतीय संविधान की विशेषता को दर्शाते हुए बताना है कि हम धर्म देखिए पंथ निरपेक्षता को किस प्रकार से अपनाए हुए हैं, या फिर आप कर सकते हैं भारतीय नागरिक को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं इनके बारे में लिखना है आपको। फिर देखिए 2500 क्वेश्चन अगला हमारा है, भारतीय समाज को कुरुति से संक्षेप में वर्णन करना है, और या फिर 20वीं सदी में ब्रिटिश काल के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रकाश डालना है, ये आपको बता देना है।
दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और वंदे मातरम।